नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले पार्ट टाइम जॉब। अगर आप रांची में करना चाहते हैं तो आपको जॉब कहाँ कहाँ पर मिलेगा। दोस्तों बहुत सारे जगह पे आपको जॉब मिल जाएगा, उसके लिए आपको जॉब ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों खुद ही मेहनत करना पड़ेगा, कोई और नहीं कर देगा। अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू जाते हैं तो वहाँ पर गारंटी नहीं है कि वो आपको सही तरह से जॉब देगा, या जॉब देगा तो भी सही जॉब देगा। आपको बोले कि डाटा एंट्री का जॉब है, बाद में आप देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको किसी सिक्योरिटी गार्ड में दे दे रहा है। इस तरह से वहाँ पर ठगा जाता है और साथ साथ आपसे पैसा भी ले जाता है कि 1,000 रुपया 2,000 रुपया कि मैं आपको जॉब लगा दूंगा एक अच्छे कंपनी में या अच्छे जगह पर, ऐसा बोल के ठग लिया जाता है। इसलिए इन सब चीज़ से आपको बचना होगा। दोस्तों सबसे पहले अगर हम जॉब की लोकेशन की बात करें तो मैं आपको बहुत ही अच्छा जगह बता रहा हूँ जहाँ पर आपको जॉब मिलने का बहुत ही चांसेस है अगर आपको कंप्यूटर आता है तो, वो है आपका नामकुम। नामकुम के सामने अगर आप लोहाड़ी चौक के सामने दोस्तों वहाँ पे एक बिल्डिंग है रियाडा, आप लोग सुने भी होंगे, वहाँ पे आप जाइएगा तो आपको जॉब मिल जाएगा वहाँ उस गली में। जैसे कि ये ओवर ब्रिज हुआ, नामकुम वाला ओवर जो ब्रिज हुआ और लोहाड़ी हुआ, इसके बीच एक रोड आपका जाता है आपका दक्षिण की तरफ, उस रोड में आप जाइएगा तो वहाँ पर बहुत सारे कुछ कुछ फैक्ट्रीज हैं, कुछ कुछ इंडस्ट्री है जहाँ पर आपको जॉब मिलेगा। जैसे वहाँ पर डेकन कंपनी है, साथ ही साथ वहाँ पर आयुधा है। दोस्तों आयुधा जो है यहाँ पे कॉल सेंटर में आपको जॉब मिलेगा, इसलिए आप वहाँ पे जाके देखिए। आपको सबसे पहले अपना रिज्यूम ले जाइएगा और वहाँ पे सबमिट कीजिएगा, वो लोग हो सके तो आपको तुरंत आपका इंटरव्यू लेंगे या फिर आपको किसी और दिन बुला लेंगे। इसलिए वहाँ पर आप जाइएगा तो आपको सही तरीके से काम मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर कोई ठगा नहीं जाता, कोई पैसा भी नहीं लिया जाता है, आपको पहले इंटरव्यू ले जाएगा, आपसे सही तरीके से आपका जो नॉलेज है उसे जांचा जाएगा, उसके बाद आपको जॉब मिलेगा। तो दोस्तों वहाँ पर आप जा सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे भी और भी फैक्ट्री हैं। जैसे कि अगर आप लेबर टाइप का काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे फैक्ट्री है, जैसे कि एक मुड़ी फैक्ट्री हो गया, चिप्स फैक्ट्री हुआ, ये सारा चीज़ भी वहाँ पे मौजूद है। दोस्तों वहीं पर एक प्रेमसंस मोटर भी है जहाँ पे भी आपको जॉब मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको मैकेनिक का काम आता है, अगर आपने ITI किया है वो भी फिटर से, या मैकेनिक का काम अगर आपको आता है तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको जॉब मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोगों को वहाँ पर रिज्यूम लिया जाता है और आप जा सकते हैं, आप दे सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही नामकुम में और एक जगह पे आपको जॉब मिलने का चांसेस है, वो है रिंग रोड। दोस्तों नामकुम में रिंग रोड जा रहे हैं टाटा रांची रोड में, वहाँ से अगर आप रिंग रोड की तरफ जाइएगा दक्षिण की तरफ तो वहाँ पे भी वो कुछ कुछ ऐसे फैक्ट्री हैं, जैसे फ्लिपकार्ट का वहाँ पे मतलब स्टोर रूम है फ्लिपकार्ट का, वहाँ पे हाल ही फिलहाल में बहुत सारे जो लड़कों को वहाँ पे लिया जा रहा था, लड़कियों को लिया जा रहा था, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। वहाँ भी बहुत अच्छा, मेरा एक दोस्त करता था, उसको 8,000 रुपये सैलरी मिलता था, 8 घंटा आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। आपको देखिएगा वहाँ पे जाके आपको पता चल जाएगा कितना घंटा करना, सब अच्छे तरीके से वहाँ बता देंगे। वहाँ पर बहुत ही अच्छा काम है, बस पैकिंग करना पड़ता है। साथ साथ वहाँ पर और भी कुछ कुछ फैक्ट्री है, वहाँ पर भी आप अपना रिज्यूम दे दीजिए, आपको काम के लिए बुला लिया जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको अपने से ही करना है, ऐसा नहीं है कि कोई और कर देगा। अगर किसी एजेंसी के थ्रू जाते हैं तो आपके साथ हो सकता है फ्रॉड हो जाए। बहुत सारे आपको पोस्टर में भी लिखे मिलते हैं कि अगर आपको जॉब चाहिए तो यहाँ पे कॉल कीजिए, अगर आप कॉल करते हैं फिर बोलता है कि आप यहाँ पे आ जाइए, आने के बाद बोलते हैं कि आपको पैसा इतना देना पड़ेगा, सिक्योरिटी चार्ज देना पड़ेगा या फिर आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी देना पड़ेगा, इस टाइप से आपको बोला जाता है। इन सारी चीज़ों से बचना है, पैसा तुरंत देना ही नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है अभी, इसलिए आप ध्यान रखिए। साथ ही साथ दोस्तों और एक लोकेशन की बात करूँ तो एक है कोकर। कोकर का इंडस्ट्रियल एरिया है दोस्तों, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे यहाँ पे फैक्ट्रीज और कंपनी है, यहाँ पर भी आपको जॉब मिल जाएगा। दोस्तों प्रभात खबर का जो ऑफिस है उसके ठीक सामने कुछ कुछ जैसे सर्विस सेंटर है, जैसे बाइक के, वहाँ पर भी आप जॉब कर सकते हैं अगर आपको बाइक का नॉलेज है या फिर टेक्निकल आप किस किए हैं, मैकेनिक आप काम जानते हैं तो वहाँ पर कर सकते हैं। साथ साथ वहाँ पर कुछ और फैक्ट्री हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वहाँ पर भी आपको काम मिल सकता है। इसलिए दोस्तों इन सब में आपको ट्राई करते रहना है तभी आपको जॉब मिलेगा। दोस्तों अगर आप जॉब पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना रिज्यूम बनाइए और रिज्यूम में अच्छे तरीके से आपका जो क्वालिफिकेशन है, आपका जो स्किल है उसे आप सही तरीके से लिखिए। मैं दोस्तों रिज्यूम बनाने का जो प्रोसेस है उसको मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप देख लीजिएगा। दोस्तों आपको जॉब मिल ही जाएगा अगर आप सही तरीके से आप जॉब खोजिएगा तो। दोस्तों इससे अच्छा जॉब आपको मिल सकता है वो है मेन रोड में। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे मॉल हैं, बहुत सारे शॉपिंग है, शॉपिंग मॉल है, दुकान है, यहाँ पर भी आप जॉब कर सकते हैं। इसलिए आपको वहाँ पे आपको भी रिज्यूम देना पड़ेगा, आपको रिज्यूम लेके जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको देखिए जॉब आप पाना चाहते हैं तो आपको भटकना थोड़ा पड़ेगा ही। आप जाइएगा वहाँ पे रिज्यूम दीजिएगा, फिर वो लोग बोलेंगे कि आपको इतना तारीख को आना होगा, इस टाइप से वो लोग बोलते रहते हैं। इसलिए आप एक काम कीजिए ना, आप जब भी जॉब खोजने जाइए तो आप ज़्यादा रिज्यूम ले जाइए, ताकि इस दुकान में भी जाइए उस दुकान में भी दे दीजिए, ताकि जहाँ बाद में आपको अच्छा लगेगा वहाँ कीजिएगा, वो लोग जब बुलाएंगे तो सब तो नहीं बुलाते हैं, कोई ना कोई जिसकी ज़रूरत होगा तो बुला लेगा। इसलिए आप इन तरह चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि आप कंप्यूटर का अगर आपका नॉलेज है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कंप्यूटर का भी बहुत ज़्यादा डिमांड चल रहा है दोस्तों, इसलिए आप टाइपिंग वाइपिंग सीख लीजिए।
टाइपिंग टेली ये सारा कोर्स कर लीजिए, इससे फ़ायदा होगा ना आपको, बहुत सारे डाटा एंट्री वाला कंपनी आपको जॉब में हायर करेंगे, साथ ही साथ आपको आराम से बैठ के काम करना है। इसलिए दोस्तों आप लोग अपना स्किल पर ध्यान दीजिए, थोड़ा कोई भी एक ऐसा काम कीजिए जिससे आप मतलब अपना प्राइवेट में भी कुछ कमा सकते हैं आप। और दोस्तों बहुत सारे मॉल सब में भी आप जॉब सकते हैं, इन लोगों को जाइए ट्राई कीजिए, और आपको बोलने का तरीका आता है तो बहुत ही अच्छा मिलेगा, साथ ही साथ कॉल सेंटर में आपको जॉब मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ भी बहुत अच्छा जॉब मिलता है दोस्तों, अगर आपको बोलने का तरीका अच्छा से आता है, आप सही तरीके से बात कर सकते हैं, शांत स्वभाव से बात कर सकते हैं, तो कॉल सेंटर में आपको जॉब मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों आप लोग तुरंत भी किसी पर भरोसा भी मत कीजिएगा, मैं एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर फ्रॉड हो रहा है, बहुत सारे विद्यार्थियों को ये गाँव से दूर दराज से आते हैं, उनको बोला जाता है कि आपको जॉब मिलाएगा, फिर वो लोग बुलाते हैं, फिर पैसा ले लेते हैं, फिर बोलते हैं कल आना परसों आना, इस तरह टाइम डिले करते रहते हैं और आपका पैसा वो ठग लेते हैं। इन सारी चीज़ों में मत फंसना है आपको, बस आपको खुद से ही मेहनत करना है, सोचिए ना कि हमें जॉब पाऊंगा तो खुद ही पाऊंगा, ये मेहनत आप में होना चाहिए, अगर ये मेहनत है तो आपको जॉब एक ना एक दिन जरूर मिलेगा, अब बहुत ही जल्द मिलेगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगा, जॉब बहुत है, बस हम लोग कॉन्टैक्ट नहीं होता है ना, तो कॉन्टैक्ट आपको खुद ही करना पड़ेगा, किसी कंपनी के थ्रू जाने में मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, बहुत ही अच्छे। और दोस्तों यहाँ पर भी आप जॉब कर सकते हैं, एक है अपना ऐप, ये तो आपको बहुत सारे YouTube वीडियो में आपको एडवर्टाइज में मिला होगा, अपना ऐप इंस्टॉल कीजिए, आप वहाँ पे भी देखिए कि रांची का लोकेशन डालिए, उसके बाद देखिए क्या क्या जॉब मिल रहा है आपको, वहाँ से भी बहुत अच्छे से आपको जॉब पा सकते हैं दोस्तों। वहाँ पे अभी आप तुरंत भरोसा मत कीजिएगा, पहले काम को समझिएगा क्या काम बोल रहा है, क्योंकि काम में ज़्यादा फ्रॉड हो जाता है कि काम कोई और काम बोलता है डाटा एंट्री वाला काम, बाद में सिक्योरिटी गार्ड वाला दे देता है या फिर कोई दूसरा काम दे देता है, इसलिए आपको इस काम पर ध्यान देना है कि आपका काम क्या मिल रहा है। तो दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो भी विद्यार्थी हैं या जो भी लोग जो जॉब पाना चाहते हैं प्राइवेट में कोई रांची में, तो यहाँ पे आप ये वीडियो देख सकते हैं, उनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।